की हमारे हाथ में आ चुकी है, ले लिए बाइक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोगों को सारा टिकटल जो सामा बता देगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब देख रहे हैं समर सईद ऑफिशियल चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यार काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, उसी वजह ये कि यार बहुत ज़्यादा मसरूफ था। तो अब इंशाल्लाह इसके बाद प्रॉपरली वीडियोस आएंगी। रैप ने अपना CG125 जो है सेल कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग जाएंगे एक YBR को परचेज़ करने के लिए। हमने दो YBR अपने जहन में रखे हुए हैं, नज़र में रखे हुए हैं, लोकेशन हमने देख ली हैं और हमने उनसे प्रॉपरली बात वगैरह कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लरेपी की तरफ जाऊंगा और वहाँ पे उसके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से जाना है, बाइक पे जाना है या गाड़ी पे जाना है। तो यार अस्सलाम बोल रहे हैं क्या ले? वो बड़ा खूब ये प्यार है। खैरियत से हो? शुक्र का। क्या सीन है फिर? देखते यार बाइक मेरे घर में जो है अच्छी तरह से खड़ा करना है, अच्छा बच्चे मस्ती ना करें, हाल करना है। जाओ यार ले जाओ, बाइक मेरे अच्छे से खड़ा कर दिया ना, बच्चे से तो मस्ती तो नहीं करेंगे। बच्चे चलो यार, रहा नहीं जाता। अच्छा जी, इसका CG125 जो है वो सेल हो चुका है, अभी मजा आएगा ना। डील जो है वो फाइनल हो चुकी है, तो अभी गाड़ी आती है, गाड़ी में बैठ के जाते हैं हम लोग। लोकेशन पे हमने YBR देखा है और उसको देखते हैं कि यार किस तरह का है। मैंने ये सोचा है कि यार इंजन वाइज जो बाइक फिट हो, बाकी जो प्रोजेक्ट है वो बंदा जो है तैयार कर लेता है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसी में सोचा कि यार गाड़ी में चले जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस दिन भी बेचारा ठंड में वापस आया था, जिसकी वजह से बीमार हो गया था। फिर इसको यार दो ट्रिपें ऊपर नीचे मैंने लगाई हैं, तब जाके कुछ सेट हुआ है। चांदनी चौक से नहीं ठीक होता, तेरे से ठीक हो जाता। यकीन करो मुझसे, डॉक्टर के पास जाता हूँ, दर्द ने गोलियाँ दे देते हैं, वो फिर टाइम लगता ठीक होते। इसके पास हो एक दिन में ठीक ठाक। वो इस दफ़ा याद आया था, वो मुँह में छाले थे, एक ड्रेव लगी, यकीन करो उसके बाद मेरे मुँह में तक छाला नहीं आया। अच्छा जी, अभी जा रहे हैं मेराज पे हंसी की स्टैम्प से, और ये भाई साहब अपने जो है ना पैसे गिन रहे लगा हुआ। पैसा ही पैसा हो गया। फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी भाई सब बाहर निकले, तो देखते हैं बाइक की क्या सूरत हाल है। ये लरेब आपका भाई बिहार आ गया यार, लरेब आ गया यार तेरा, ये आ गया जी हमारा भाई बिहार, डेड ड्रॉप हो गया। सीन कुछ इस तरह का था कि फर्स्ट लोकेशन पे जो हमने YBR देखा था वो पिक्चर्स में बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब हमने उसको फिजिकली देखा तो बाइक जो है बहुत ज़्यादा रफ था। एक तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, बाइक जो है साइड से एक्सीडेंटल भी था और उसके जो इंजन की हालत थी वो भी काफ़ी हद तक ख़राब थी। फिर उसके बाद हम लोग एक नई लोकेशन में गए हैं और वहाँ पर जो फाइनली हमें बाइक पसंद आया है उसका आप सब देखें क्या सीन था। जी ये वाला YBR है जो कि हम लोग परचेज़ कर रहे हैं और कंडीशन वाइज जो है बाइक काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आया है, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि, ठीक है। तो बाइक जो है काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है, इसके अलावा इंजन वाइज भी जो है काफ़ी बेहतर है। तो अभी जो है डील वगैरह चल रही है इन लोगों की आपस में, तो देखते हैं अगर ये पसंद आता है तो उसको परचेज़ कर लेते हैं। फाइनली बाइक जो है ले ली है नरेप। थैंक यू सो मच। CG125 से इस पर आके कैसा फील कर रहे हैं आप? पैसे निकालने ये खड़ा है और अभी पेट्रोल डलवा के तो निकलते हैं सीधा बिस्मिल्लाह पढ़ के। ठंड बड़ी है यकीन करो, कितने टाइम क्या हो रहा है, आई थिंक 6:30 बज रहे हैं, लेट हो जाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो फिर आपको वहीं पर मिलेंगे। बाकी जो सामा का सीन है वो आपको बताएगा लोग, उसके आज मेरे हाथ में चढ़ गए, ले लिए बाइक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोग वो सारा टिकट जो वो सामा बता देगा। खैर एनीवेज वो आए तो फिर निकलते हैं जी। रात हो चुकी है, फाइनली जो हमारा बाइक है वो यहाँ पे आ चुका है और लरेब माशाल्लाह से खुश हो गया।
इसी तरह से इस प्रोजेक्ट पे जो जो हम काम वगैरह करवाएंगे वो सब आप सबसे शेयर करेंगे। नरेम के चैनल पे भी आएंगे, मेरे चैनल पे भी आएंगे और इसमें इंशाल्लाह एक्सट्रीम किस्म के नोटिफिकेशन हम लोग लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।